press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया लाई खान जी। ये दोनों बात करेंगी हम सबके प्रिय और भव्य राम मंदिर पे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, उस पर बहुत सारे व्यूज दिए और हमें बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आए, इसलिए हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आपके लिए डाल रहे हैं। तो इसी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सर्वे से मुसलमानों को बड़ी बड़ी दुख और तकलीफ होती है, तो उन लोगों ने काफी प्रदर्शन किया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर ला इलाहा तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा का रिश्ता है, तो ऐसा बहुत कुछ हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि नहीं, एएसआई का सर्वे होना चाहिए। हालांकि एएसआई के सर्वे की अनुमति देने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिसर के मोहम्मद को रखा, एक मुसलमान को रखा। अब कहीं ना कहीं मुसलमानों को ऐसा लगा कि भाई अब तो 14 साल की बीवी रखने वाला बाबर जीत जाएगा, जिसके हरम में बीवियां ही बीवियां और कलियां ही कलियां हुआ करती थी, तो वो अश्लीलता का जो बादशाह है वो जीत जाएगा। क्योंकि के मोहम्मद जी जो सबसे बड़े ऑफिसर थे एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट जब सील पैक होकर के आए और जब उसको खोला गया, तो के मोहम्मद ने अपनी कई स्टेटमेंट में ये बात भी कही है कि मेरे लिए मेरा प्रोफेशन सबसे पहले है और मेरा धर्म मेरे लिए बाद में है। जो मैंने वहां देखा, जो मैंने वहां पर सर्वे किया और उन तमाम तथ्यों और प्रूफों के और सबूतों के आधार पर मैंने जो रिपोर्ट बनाई है वो मैंने सर्वोच्च न्यायपालिका के सुपुर्द उनके हैंडओवर कर दिया है, और उस रिपोर्ट के हिसाब से वो मंदिर था, वो मस्जिद था ही नहीं, वो मस्जिद था ही नहीं। सही। इतना लिबरल कौन सा मुगल था जो ऊपर ढांचा मस्जिद का बना रहा था और नीचे मंदिर बना रहा था, पिलर मंदिर का रख रहा था, कमल का फूल खिला रहा था, ऐसा कौन है? मैंने तो नहीं देखा मक्का मदीना में कमल का फूल खिला हुआ, मैंने तो मक्का मदीना में नहीं देखा कि ग्रंथ लिखे हुए हैं, मैं तो नहीं देखी कभी मक्का मदीना में या किसी छोटे मोटे मस्जिद और मजारों में भी तो मैं नहीं देखती हूँ। तो एक एक पंथियों को के मोहम्मद जी ने खोला, और आर्कियोलॉजिकल का जो सर्वे होता है वो बहुत बारीक होता है क्योंकि हमें किसी चीज को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है और सारे सर्वे भी कर लेने हैं। तो वो सर्वे जब हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं आचार्य जी के तमाम तथ्यों से और के मोहम्मद जी के रिपोर्ट से ये चीज तय हो गई, और सर्वोच्च न्यायपालिका द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी ये सोचना पड़ा कि ना अब तो बाबर जी के सपोर्ट में हम खड़े नहीं हो पाएंगे, बाबर जी आप दूर हो जाओ। मगर सोनिया गांधी जी ने पहले कहा कि वो जाएंगी और बाद में उन्होंने मना कर दिया, क्या रीजन हो सकता है? पहले तो अच्छा भला कह रही थी कि जाएंगी, अटेंड करेंगी इनॉग्रेशन पार्टी को या इनॉग्रेशन इवेंट को। सॉरी, देखिए मैं सोनिया गांधी को काउंट ही नहीं करती हूँ भारत के नागरिक में, मैं काउंट नहीं करती, और देश को किसी बार डांसर के हाथ में नहीं दिया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात आती है कि आप आरजू जी आप मुसलमान हैं, मैं नाजिया इलाही खान मैं मुसलमान, मर जाएंगे हज नहीं करेंगे अफसोस तो रह जाएगा, या बेड पर भी आ जाएंगे बूढ़े होने के बाद हज नहीं कर पाएंगे अफसोस तो होगा, तब ये सोचेंगे शायद मेरे नसीब में नहीं था या मेरी बदनसीबी थी या मैंने कुछ ऐसा किया है जो शायद हज नसीब नहीं हुआ, सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है कि हम हज नहीं कर पाएंगे, ये शोभा नहीं देगा हमारे मुंह से। और अभी तो मोदी जी की सरकार ने महिलाओं के हज के लिए इतनी सुविधाएं कर दी हैं कि पॉकेट में पैसा ना भी हो तो भारत की मुसलमान महिलाएं अकेले जाकर के हज करके आ सकती हैं, तो ऐसे सिनेरियो पे ये शोभा नहीं देगा। लेकिन नसीब की बात होती है, बदनसीबी की बात होती है, तो उसी तरीके से 28 पार्टियां बदनसीब है, बदकिस्मत है, इसलिए इतनी बड़ी इतनी खूबसूरत और इतनी आस्था वाली जगह पर 22 जनवरी को नहीं पहुंच पा रही है, और उस पर साथ साथ अभद्र टिप्पणियां भी कर रही है। यहाँ तक कि अब समाजवादी पार्टी के तो बर्क साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने तो कहा है कि 22 जनवरी को वो मुसल्ला बिछा देंगे, और मुसल्ला बिछा करके वो दुआ करेंगे कि मुसलमानों की तादाद इतनी हो जाए कि हम दोबारा उस मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बना देंगे।
मतलब वो हो ये जाएगी, मुसलमान जैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हो भी जाएगा। मैं बोलने जा रही थी कि ये जिम्मेदारी ये बर्क साहब ने हमारे ऊपर दे डाला कि हम भैया एकदम तैयार हो जाए, अब कि 9-9 महीने में हमें बच्चे निकालना है, ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ गई है। वही ना, इसमें मुसलमान बहुत माहिर है, कुछ और हाँ। करे ना करे बच्चे पैदा करने में बच्चा अच्छा कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना मर्दों को, उनको तो मजा मिलता है, उनको तो मजा मिलता है 9 महीना पेट में रख करके दर्द सहना तकलीफ सहना, ये औरतों का काम होता है। तो मैंने तो साफ नेशनल न्यूज़ पे कहा कि बर्क साहब मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि इतना बड़ा पाप और इतना बड़ा अजाब आप औरतों पर मत दे दीजिए भैया, क्योंकि पैदा करना तो औरत का काम होगा ना, तो 82.7% को टक्कर देने का मतलब है कि हमें भी 82.7% होना पड़ेगा, तो मतलब एक एक औरत को 20-20 हजार बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, एक एक मुसलमान औरत को कर भी लेंगे, इनसे कोई भेद नहीं है, कर भी लेते हैं ये लोग। लेकिन अभी इन्होंने हम अगर बात कर रहे थे हज उमरे की बात कर रहे थे, तो अभी मैंने देखा सऊदी अरब में वो बड़ी एक प्यारी सी आपके यहाँ की मतलब पार्लियामेंटेरियन भी है और वैसे का टीवी पर भी आया करती थी स्मृति ईरानी जी, मुझे बड़ी पसंद है वो हमेशा से, तो उनको मैंने देखा सऊदी अरब में। तो यहाँ भी एक दो हमारे यहाँ जो मुल्ला माफिया है ना थोड़ी सी हिली जुली है कि जी ऐसे कैसे ना सऊदी अरब ने आने दिया, तो लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उनको वेलकम किया गया, सऊदी अरब में चेंज आ रहा है, तो फिर आखिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान क्यों नहीं बदल रहे? भारत के मुसलमान तो आप लोगों को ही फॉलो करते हैं, और खास करके सुन्नी मुसलमान जो भारत के हैं वो तो फॉलो करते हैं एकदम टॉप टू टो, टॉप टू टो वो लोग पाकिस्तान को फॉलो करते हैं। देखिए भारत के मुसलमान सुन्नी मुसलमान भी कभी भी शिक्षा के बारे में बात नहीं करते हैं, कभी भी वुमेन राइट के बारे में बात नहीं करते हैं, कभी भी वुमेन्स आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करते हैं, कभी भी वुमेन्स प्रायोरिटी और लीगल राइट के बारे में बात नहीं करते हैं, तो एकदम डॉपलगैंगर ऑफ पाकिस्तान। जो आप तारिक मसूद को सुनती हैं, तारिक जमील को सुनती हैं, या और भी जो चवन्नी अठन्नी है जिसको सुना जाता है, वो सेम यहाँ पर है, सेम एकदम। अब बात आती है स्मृति रानी जी के बारे में, आपने बात कही है और आपने बहुत प्यारी सी उनको कहा है, मैंने उनके साथ काफी मीटिंग्स की है, इवन 2019 के लोकसभा इलेक्शन और 2021 के लोकसभा इलेक्शन में स्टार प्रचारक में मैं भी उनके साथ थी, और अगर मेरे इंस्टाग्राम को सर्च किया जाएगा तो काफी तस्वीरें 19 और 21 में मेरी उनके साथ दिखाई देंगी कि मैं उनके साथ बहुत मीटिंग कर रही हूँ। इतनी डाउन टू अर्थ लेडी हैं, इतनी डाउन टू अर्थ हैं, और अपनी गरीबी को भी इतने सुकून से और चेहरे पर मुस्कुराहट से बताती हैं कि बहुत हिम्मत होती है उनको सुनने के बाद कि हाँ वाकई में अगर हम भी एक बुरा वक्त देखे हैं तो आज अच्छा वक्त भी देख रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि भाई भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? स्मृति ईरानी जी को बुलाने वाले सऊदी अरबिया, जाने वाली स्मृति ईरानी जी, ना सऊदी अरबिया के शेख और मेयर और वहां के शहजादों को प्रॉब्लम, ना हमें प्रॉब्लम, तो इनके प्रॉब्लम को कौन कौन नोटिस कर रहा है? कोई नोटिस नहीं कर रहा है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान को तो और भी पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सऊदी अरबिया है जिसे कंटिन्यूसली गैजेट भेजे हैं कि भाई तू अपना भिखारी लेके जाए यहाँ से, परेशान कर दिया है, कभी पापड़ बेचता है, कभी चकली बेचता है, कभी बुर्का पहन के भीख मांगती है, कभी पजामा पहन के भीख मांगता है, टूरिस्ट वीजा पे चला जाता है और भीख मंगा बन करके कटोरा लेकर के हाथ में बैठ जाता है। सब सऊदी अरबिया के गैजेट में ये है कि सबसे ज्यादा चोरी चमारी और छिनताई और औरतों को छेड़छाड़ ये पाकिस्तानी करते हैं जाकर के वहां पर। दुबई के पुलिस ने खुद ये इशू किया था नोटिस कि पाकिस्तान से जितने भी यंगस्टर्स आते हैं दारू पीकर के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वही करते हैं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वही करते हैं। और ये तो भाई सर्वे रिपोर्ट है कि आपके पाकिस्तान के मर्द जो है सबसे ज्यादा पोर्न मूवी देखते हैं, तो उत्तेजित तो हो ही जाएंगे। बहरहाल मैं अभी बहुत संतुष्ट हूँ कि हाफिज सईद ने बोला है कि अगर उसकी भारी बहुमत में अगर उसकी सरकार बनती है तो वो इस्लामिक वेलफेयर कंट्री आपका बना देगा, तो 72 वर्जिन हूरों के लिए अब मरने की का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हाफिज सईद गोद में रख देगा सबके 72 वर्जिन हूर। वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसको फिलहाल जैसे कि कहा जा रहा है हाउस अरेस्ट है वो, तो वो उसकी बातें बस चलती रहेंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारी पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि राम मंदिर की इनॉग्रेशन कैसी रहती है, और हम आपसे फिर बात करेंगे 22 से पहले भी बात करेंगे यकीनन, और मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन सी तैयारियां हैं और
बाल पाकिस्तान तो नहीं कहेगा, लेकिन मेरी तरफ से जरूर यह है कि मैं चाहूंगी कि अच्छे से हो जाए और सब लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद तो इन्होंने अलग जगह दे दी है मस्जिद की, तो फिर इतना जो है ना हा हू होनी नहीं चाहिए, मगर जाहिर है पॉलिटिक्स की जगह दी है, अर्शु जी 5 एकड़ की जगह दी गई है और वहां पर नींव भी रखाया गया है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम रखा है, बाबर नाम कहीं नहीं रखा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर बाबरी मस्जिद दोबारा रखता ना तो मैं पूरी बीवियों का चिट्ठा खोलती बैठ करके मस्जिद के सामने से ही आपके साथ इंटरव्यू करती और इतिहास हिस्ट्री की किताब लेती, क्योंकि बाबर की सबसे जो छोटी बीवी थी वो मात्र 13 साल की थी, जो उसके हरम में उसके पास ही रहा करती थी, वो उसको वो हटाता नहीं था क्योंकि बहुत छोटी थी ना, तो शायद इमेजिन कर सकते हैं, नहीं पता नहीं, लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि बहरहाल इनॉग्रेशन होने जा रहा है और हम यही दुआ करते हैं कि खैरियत से हो और सभी के लिए अच्छा रहे, इसलिए कि दुआ आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, मैं तो खैर मंदिर में भी दुआ पढ़ लेती हूँ, मैं तो चर्च में भी पढ़ लेती हूँ, मैं हर जगह पहुंच जाती हूँ, इसलिए तो मेरा ख्याल है कि सबको जो है वो आराम से इस चीज को हो जाने देना चाहिए और हम आपसे फिर भी बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। 16 से 22 फिर तो हमें कुछ पिक्चर्स भी भेजिएगा जो तैयारी चल रही है, वो भी हम देखना चाहेंगे, तो बिल्कुल वो अपने मोबाइल से बना के मुझे भेजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और नाजिया लाई खान जी का ये दमदार और मजेदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन दोनों निपुण महिलाओं ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर हम सबके प्रिय और भव्य राम मंदिर के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि 22 तारीख आने वाली है, आप सभी लोग तैयारी कर लीजिए एक बार फिर से दिवाली मनाने की। और दूसरी ओर हमने देखा नाजिया खान जी ने बात की कांग्रेस के बारे में, और कांग्रेस के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पहले कांग्रेस मोदी विरोध करते हुए भारत विरोधी हो गई और अब भारत विरोधी होने के बाद अब कांग्रेस इतना विरोध में आगे बढ़ चुकी है कि अब वो राम विरोधी भी होगी। तो इसके बारे में आपके क्या कहना है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।